दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम राजवीर राजपुरोहित और आज हम बात करने वाले हैं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के एक और नए फीचर के बारे में। अब यार आप सबको पता होगा कि जब आप नीचे उतरते हो तो आप ज़्यादा जगह घूम नहीं पाते, तो इसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ और ताकि आप हर जगह घूम पाए बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के हर लोकेशन पर पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड गेम की तरह। सो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है और एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो मे भी यहाँ पर चांस है कि आपका गेम क्रैश हो जाए। तो यार पूरा वीडियो ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक गेम करते हैं करीब 400, तो आई होप आप ये लाइक एम करवा देंगे। अब जिन किसी को नहीं पता चला कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं बता दूँ, तो यहाँ पर ये आपका लोगो आ रहा है और यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जाने दिया जाएगा। अभी जैसे मैं जा रहा हूँ और आगे आपको जो है एक सर्कल देखने को मिल रहा है जिसके आगे आप नहीं जा सकते, तो ये कैसे चेंज करें भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसी का सॉल्यूशन पूरा लेकर आया हूँ मैं आज कि हम ये सारी चीज़ों को ओपन वर्ल्ड की तरह कैसे कर सकते हैं और फिर हम आराम से एक ओपन वर्ल्ड गेम की तरह बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में हर जगह घूम सकेंगे। सो चलो देखते हैं ZR सर्वर पर और कैसे इसे इंस्टॉल करना है। हम आ चुके हैं ZR सर्वर में जहाँ पर हम बस सिमुलेटर आईडी में जाएंगे, यहाँ पर न्यू फोल्डर में, और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का सीन आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आपको एंड्रॉयड में जाना है, ओबी में जाना है, मेल्यू में जाना है, और अगर ये ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इसको जिप में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करना है, रीनेम करना है और जो पीछे है इसे जिप लिख देना है सिंपल वे में। उसके बाद आपको वी में जाना है, एसेट में जाना है, बीन में जाना है, डेटा में जाना है। अब यहाँ पर आपको एसेट ढूंढना होगा जो होगा शेयर एसेट नंबर 6। सो अब यहाँ पर 95 ओके, अब यहाँ पर हमारा ये जो है देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो मैंने किसको किया, 0 को किया है और स्प्लिट 1 को किया है। तो इन दोनों को हमें डिलीट कर देना है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसे रिमूव कर दिया है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो फाइल दिया होगा फोल्डर में जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया, तो उसमें जाना है और यहाँ पर मेरा फोल्डर है मोड्स में, नहीं न्यू फोल्डर, यहाँ पर ये रहे। सो इन सब को कॉपी करना है, ये अलग अलग चीज़ें हैं सारी, एक चीज़ नहीं है। तो डिवाइस में जाना है, बस एंड्रॉयड में जाना है, ओबीबी में जाना है, मेलियो, यहाँ पर एसेट बीन डेटा, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही ये सब पेस्ट हो जाता है हम अब इन गेम चलेंगे और देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हमारी चेंजेस हुई है। सो अब हम इन गेम आ चुके हैं और अब देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला काम करता है और क्या हम अपने बसीड गेम को एक ओपन वर्ल्ड गेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक मारते हैं बीच चौराहे पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब वो लोगों नहीं आ रहा है जो पहले आता था। हाँ, आप रीलोकेट डायरेक्ट हो जाओगे लेकिन वो लोगो जो था और जो आपके सराउंडिंग एक सर्कल बन रहा था जिसकी वजह से उसके आगे आप नहीं जा पा रहे थे, अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आप डायरेक्ट उस जगह पर वापस पहुंच सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो, बट अब ये गेम पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड हो गई है जहाँ पर आप कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि चलो भाई ये ले लिया, ट्रक ले लिया, वो ले लिया, वैसे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सो आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।